वेल तो दोस्तों कभी ना कभी एक प्रॉब्लम तो आप लोग ने जरूर फेस किया होगा। दोस्तों कभी कभी आप कोई सा एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करने की कोशिश करते होगे, जब भी दोस्तों आप डाउनलोड करने की कोशिश करते होगे तो वहां पे इंस्टॉल बटन आपको नहीं देखने को मिलता होगा, एंड साथ ही साथ दोस्तों नीचे में लिखा रहता है दिस ऐप इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री। अगर दोस्तों आपके साथ ये प्रॉब्लम आई है एंड दोस्तों अगर आप उसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो एनी हाउ, अगर आप चाहते ही हो कि दोस्तों अगर इस कंट्री में वो डाउनलोड नहीं होता लेकिन फिर भी अगर आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो तो दोस्तों आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस अपने भाई का वीडियो को एंड तक देखना है। एंड मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखते हो तो दोस्तों कोई भी ऐप है जो दोस्तों दिखाता हो कि आपके कंट्री में अवेलेबल नहीं है, दिस कंट्री इज नॉट अवेलेबल, मतलब इस टाइप का अगर आपके साथ मतलब कोई भी एप्लीकेशन के साथ प्रॉब्लम आता होगा दोस्तों अगर इस तरीके का आप यूज करते हो तो इंस्टेंट आप उस एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। एंड साथ ही दोस्तों अगर आप कोई और वीडियो देखो जो दोस्तों पहले से रैंक कर चुकी है इस कीवर्ड पे, पहले आपको टॉप पे दिखाती है, अगर दोस्तों वो सब वीडियो देखते हो और पुराना वीडियो आप देखते हो तो ये भी मैं कह सकता हूं दोस्तों उस तरीके से आप नहीं डाउनलोड कर पाओगे, बिकॉज वो जो तरीका था वो दोस्तों पुराना हो चुका है। एंड आज के इस वीडियो में जो तरीका लेके आया हूं दोस्तों वो बहुत ही लेटेस्ट है, एंड इंस्टेंट दोस्तों आप कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। तो अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूं, सीधा चलता हूं वीडियो पे एंड वीडियो को करता हूं फटक से स्टार्ट। दोस्तों तो सिंपली से आप लोग आज को मेरे फ़ोन के होम स्क्रीन पे, चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं कोई सा भी एक एप्लीकेशन ले लेता हूँ जो कि दोस्तों इंडिया कंट्री में अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ट्राई करके दिखाता हूँ वो एप्लीकेशन डाउनलोड होगा या फिर नहीं। जैसे कि देख सकते हो स्वैगबक्स एक एप्लीकेशन है जो कि दोस्तों इंडिया में अवेलेबल नहीं है, एंड प्ले स्टोर में आप दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अभी आपको लाइव दिखा ही देता हूँ, जैसे कि देख सकते हो स्वैगबक्स में, एंड मैं इसे डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ सिंपली से प्ले स्टोर पर जाके। तो दिखाना दोस्तों यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल योर कंट्री। तो इसी तरह के दोस्तों और भी ऐप हो सकते हैं जो कि दोस्तों आप डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे होगे बट सेम प्रॉब्लम आपके साथ भी आ रहा होगा, एंड यहाँ पे सेम दोस्तों आपको देखने को मिल रहा होगा दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल योर कंट्री। तो ये चीज़ आप लोगों ने तो देख लिया दोस्तों। अब चलिए इसका सॉल्यूशन देखता हूँ किस तरह से दोस्तों इसे सॉल्व कर सकते हो इस प्रॉब्लम को, एंड आसानी से दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना फ़ोन का सेटिंग को ओपन करना होगा, एंड सेटिंग को ओपन करके स्क्रॉल के नीचे जाना है, एंड सबसे पहले दोस्तों आपको ऐप मैनेजमेंट में चले जाना, एंड अपने फ़ोन में जितना भी आपका यहाँ पे ऐप्स है वो सारे ऐप्स का लिस्ट को आपको यहाँ पे निकाल लेना है। एंड उसके बाद सिंपली से दोस्तों आपको ऊपर सर्च बार में यहाँ पे लिखना होगा प्ले स्टोर। जैसे दोस्तों आप प्ले स्टोर लिख देते हो सबसे पहले दोस्तों इस प्ले स्टोर एप्लीकेशन को आपको यहाँ से ओपन करना होगा, एंड सबसे पहले दोस्तों आपको स्टोरेज इस एप्लीकेशन का स्टोरेज जो भी है उसे क्लियर करना होगा, स्टोरेज में जाना होगा एंड क्लियर डाटा एंड क्लियर केज करना होगा। उसके बाद बैक आना है, एंड फिर से दोस्तों यहाँ पे ऊपर में आपको एक बटन देखने को मिल जाएगा फोर्स स्टॉप, सिंपली से फोर्स स्टॉप के बटन पर आपको क्लिक करना है एंड फोर्स स्टॉप यहाँ से कर देना है, एंड उसके बाद सिंपली से दोस्तों यहाँ से आपको बैक चला जाना होगा, एंड यहाँ पे सिंपली से दोस्तों एक बार प्ले स्टोर को आपको यहाँ पे ओपन करना होगा। एंड ओपन करने के बाद दोस्तों सिंपली से आपको करना क्या है दोस्तों, उसके बाद सर्च बार में चले जाना है दोस्तों। सिंपली से आपको यहाँ पे लिखना है विंडस्क्राइब। जैसे दोस्तों विंडस्क्राइब लिख दे तो सिंपली से आपको सर्च करना है, एंड दोस्तों ऊपर में जो एक एप्लीकेशन आपको विंडस्क्राइब वीपीएन देखने को मिलेगा दोस्तों इसे आपको डाउनलोड करना है, एंड डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इसे ओपन करना है, एंड बहुत ही आसानी से दोस्तों जस्ट वन क्लिक करते ये जो वीपीएन है वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। एंड जैसे दोस्तों ये वीपीएन आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाए तो अब आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, एंड आप बिल्कुल से आप रेडी हो चुके हो कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए जो कि दोस्तों आपके कंट्री में नहीं है। बट उससे पहले एक छोटा सा काम आपको और करना होगा, सिंपली से दोस्तों आपको प्ले स्टोर को यहाँ से ओपन करना होगा, एंड जिस जीमेल के साथ अभी तक आपका फ़ोन लॉगिन था उसके साथ दोस्तों यहाँ पे एक बार आपको चेंज कर देना है, स्वाइप कर देना है, कोई सा भी एक जीमेल आपको दूसरा सेलेक्ट करना है या फिर एक नया जीमेल ही आप बना लेना, मैं सजेस्ट करूँगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एक जीमेल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड आसानी से दोस्तों आपका सारा काम खत्म हो चुका है। तो अब मैं दोस्तों यहाँ पे सिंपली से वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके दिखाता हूँ जो कि दोस्तों मैंने शुरू में आपको दिखाया था स्वैगबक्स। तो सिंपली से दोस्तों यहाँ पे मैं स्वैगबक्स को यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से सर्च करता हूँ, एंड सिंपली से दोस्तों मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ एंड डाउनलोड वाले लिंक पे सिंपली से दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली से आप यहाँ पे देख सकते हो आपके साथ लाइव प्रूफ है दोस्तों। जस्ट जब मैंने शुरू में आपको दिखाया था यहाँ पे लिखा रहा था दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री, जैसे दोस्तों मैंने इस तरीके का यूज़ किया, जैसे दोस्तों मैंने एक वीपीएन से कनेक्ट करके प्ले स्टोर का सारा स्टोरेज क्लियर किया तो आसानी से दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है जो कि बैन था इंडिया में जिसे आप डाउनलोड नहीं कर सकते वो भी दोस्तों आप सिंपली से डाउनलोड कर पा रहे हो। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो
दोस्तों, मैं यहाँ पे सिंपली से इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ एंड विद इन ए सेकेंड दोस्तों आप देख सकते हो कितना आसानी से ये जो एप्लीकेशन है ये दोस्तों डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है एंड आपके साथ सामने दोस्तों लाइव प्रूफ है। एंड इसी तरह से दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन हो जो कि दोस्तों इंडियन कंट्री में अवेलेबल नहीं हो, इंडिया के प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, तो सेम तरीके लगा के दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हो बहुत ही आसानी के साथ। तो भाइयों आई होप कि आज की इस वीडियो के मदद से आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा एंड आप लोगों ने सीख लिया होगा कि किस तरह से आप कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो जो कि दोस्तों आपके कंट्री में अवेलेबल नहीं है, उस एप्लीकेशन को आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो। एंड साथ ही साथ दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी तो एक वीडियो को एक लाइक कर देना एंड साथ ही साथ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, बिकॉज दोस्तों इस चैनल पे आपको इसी तरह के यूजफुल एंड हेल्पफुल कंटेंट मिलते रहती है एंड आगे भी मिलते रहेगी। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ next time।